सीता श्रृंगार कर रही थी, हनुमान तो उनको माँ मानती है, माँ मानता है, अंदर में चला गया, देखा मैया सीता सिंदूर का फूल और यहाँ पर मांग भर रही है। बोले भैया भैया ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर सिंदूर का फूल हो, यहाँ पर है एक सिंदूर का दाग क्यों? बोले लाला ये सुहाग का चिन्ह है। बोले भैया सुहाग क्या होता है? कभी ये पत्नियां अपना पति के लिए ये सुहाग भरती हैं, पति दीर्घायु हो, पति की जस बढ़े, पति है हमसे पहले पति मरे नहीं, उनका जगत में जस हो, उनका सब कुछ, इसलिए पत्नियां पति की दीर्घायु जस के लिए हाँ पत्नियां सब मांग भरती हैं, सिंदूर लगाती हैं। बोले ये बात? बोले हाँ। इतने मैया सीता जब चली गई ना, हनुमान अंदर में गए और जितना सिंदूर था सब लिए और सारा शरीर में पोत दी, सारा शरीर में पोत करके और पहुंच गए कहाँ पर? राम दरबार में। और वहां पर सारे जनता बैठे हुए थे, सब लोग देख करके हा 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 करते करते ठा लगा कर हंस रहे थे। देखो ये बंदर को सारा शरीर में सिंदूर कैसे लगाया हुआ, देखो बंदर को। इतने में प्रभु राम ने पूछा, बेटा हनुमान तुमने ये सारा शरीर में सिंदूर क्यों लगाया? बोले प्रभु जी मैंने मैया को देखा हाँ मांग भर रही थी, सिंदूर का एक बूंद लगाई, मैंने कहा मैया ये क्या चीज होती है? बोले अपना पति की दीर्घायु जस के लिए पत्नियां ये धारण करते अपना प्रभु के लिए। मेरे प्रभु तो आप ही हो ना, अगर मैया अगर सिंदूर का है अगर यहाँ पर एक दाग और एक बूंद लगाने पर अगर इतने हाँ आपका कल्याण होगा, मैंने सोचा आप प्रभु, मेरे प्रभु तो आप ही हो, मेरे स्वामी तो आप ही हो, अगर संपूर्ण शरीर में अगर मैं सिंदूर हाँ लगा दूंगा ना क्या होगा? मेरे प्रभु का राम विश्व ब्रह्मांड में इनकी जस फैलेगा, सारा दुनिया में इनकी जस फैलेगा, जय जयकार होगा और इनकी दीर्घा होगी। और भगवान राम सुन करके प्रेम में तो गदगद हो गए, प्रेम में गदगद हो गए। इसलिए हनुमान जी की बहुत बहुत सारी रामायण में इनकी बगैर तो कोई कथा है ही नहीं, पूरा रामायण में इनकी कथा है। बोले अगर तू भगवान अगर भक्तों को देखना चाहे तो जाओ, किसको देखो? हनुमान जी को देखो। जब नारद जी हनुमान की इतने महिमा बोले, हनुमान जी कह रहे भैया आप कह रहे हो मैं राम का सबसे प्यारा भक्त? बोले हाँ। बोले तेरे कुछ पता ही नहीं, अगर मैं प्रभु का प्यारा भक्त होता है ना, जिस समय भगवान राम अयोध्या छोड़ करके अपना वैकुंठ जा रहे थे, संपूर्ण अयोध्या वासियों को प्रभु लेकर गए, केवल ये दुर्भागा एक श्री हनुमत लाल को छोड़ कर गए। अगर प्रभु मेरे को प्यार करता हमें भी वैकुंठ ले जाते, फिर हमें प्रभु छोड़कर क्यों गए? जगत में राम भक्ति को प्रचार करने के लिए, अगर तू चले जाओगे तो जगत में भक्ति कैसे प्रचार होगा? इसलिए हनुमान जी, लेकिन वो दंडता पूर्वक कह रहे हैं ठाकुर जी की मेरे प्रति कोई भी कृपा नहीं होता तो मेरे को भी ठाकुर जी साथ में लेकर के जाते। हाँ भक्त देखोगे जाओ, बोले कहाँ? बोले हस्तिनापुर में जाओ, वहां पर देखोगे पांडवों को। देखो कथा तो बहुत है, आज हम लोग वृंदावन जाएंगे, इसलिए इसको बाद में जो कथा है ना, अगर और कभी आएंगे तो इसका कथा हम सुनाएंगे। आज हम उसे गिरिराज की थोड़ी कथा सुन लेते हैं। देखो हम लोगों ने 4 दिन तक कथा सुनी, नियम है कथा से कुछ लो और कथा में कुछ दो। क्या करोगे? कथा से कुछ लो, माइक को सामने ना हट जाओ, स्पीकर को सामने बाबा, इसलिए कथा से कुछ लो और कथा में कुछ दो। बोले भैया लेंगे क्या और देंगे क्या? बोले जितने गंदी चीज को दे दो और यहाँ से अच्छी चीज मिलो। बोले गंदी चीज क्या? बोले 4 गंदी चीजें, इसको छोड़ना। बोले क्या? बोले जुआ कभी नहीं खेलनी चाहिए है? इसलिए युधिष्ठिर महाराज सिखा दिया, देखो जुआ खेल करके मेरे कितने सर्वनाश हुआ, राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा और 12 साल तक जंगल में भटके और 1 साल तक अज्ञात। देखो जो IPL आता है ना, पता नहीं बोल रहे थे उसमें तो कितने लोग सट्टा लगा रहे हैं, कितने लोग, मेरे को हम गए थे गड़ी, एक व्यक्ति सारा दिन काम करके पैसा कमा करके लाया और गया गया जुआ खेलने के लिए, पत्नी रो रही है बच्चों के लिए खाना नहीं, और तो दिन भर कमाते कमाते लाए थोड़ी पैसा, बच्चे रो रहे हैं, घर में आटा नहीं सब्जी नहीं, लेकिन ये नशा ऐसे की चीज है, वो जा रहा है जुआ खेलने सट्टा लगाने की।
और घर में पत्नी बैठे बैठे रो रही, बच्चे खाना क्या खाएंगे हैं। इसलिए कल गए थे वो एक प्रभु जी अच्छा बात बता रहे थे, देखो कान खोल कर सुनाओ, हमने कितने पैसा बच्चे के लिए कमा करके दिए ये बड़ी भारी बात नहीं, लेकिन बच्चे को हमने कितने भजन में लगाया ये बड़ी बात है। वो कह रहे थे कल एक भक्त, अभी जैसे आईपीएल में आता है, पिताजी ने अरब खरब रुपया कमा कर दिया, बेटा बच्चा एक मिनट में सब धुलसात कर देता है, जुआ में लगा करके, आईपीएल जुआ में लगा करके कल तक बोल रहे थे एक सेकंड में लगाया जुआ में सब खत्म। क्यों कह रहे थे भैया कितने पैसा तुमने छोड़ कर गए ये बड़ी महत्व नहीं, बच्चे को कितने भजन में लगा कर गए और खुद कितना हरिनाम किए हो भजन किए हो ये बड़ी भारी चीज है। इसलिए ये चीज में ज्यादा मत लगा करो, समय को निकालो भगवान की भजन में लगाने के लिए, बच्चों को कितना संस्कार बनाया, कितने तुमने परमार्थ दिया ये चीज बड़ी भारी चीज है, पैसा कितने कमाया ये बड़ी भारी चीज नहीं। इसलिए जुआ नहीं खेलनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज शिक्षा देते, देखो मैं साक्षात धर्म स्वरूप हूँ, कितने मेरी सर्वनाश हुई है, दुनिया को शिक्षा देकर गए। दूसरी चीज पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लिया करो, पान बीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटखा शराब नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। हर साल कहते ना शराब पीने पर कितना लाभ है, तीन लाभ है। पहला लाभ क्या है, बल वो बूढ़ा नहीं बनेगा। दूसरा लाभ क्या, चोरी नहीं होगा। तीसरा लाभ क्या, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या, बोले बूढ़ा नहीं होगा मतलब क्या। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में हरिनाम लेने के लिए आई, वो 30 साल की, साथ में दो बच्चे, लेकिन उसको देखा मैंने विधवा। बोले माता जी पति कहाँ गए, बोले शरीर छोड़ दिए। बोले कैसे, बोले ज्यादा पीते थे, वो ज्यादा पीते थे, इसलिए लास्ट में जब देखा सारी किडनी खराब हार्ट खराब, बोले कोई बचने का और कोई उपाय नहीं था जब लास्ट में लास्ट डे दिन। इसलिए जिंदा रहेगा तभी तो बुढ़ा बनेगा ना, बुढ़ा कब बनेगा, जिंदा रहे। इसलिए आप लोग अपना बच्चों को इस सब चीज से दूर रखने के लिए कोशिश करो, ठीक है ना। घर में कोई शराब नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बोले घर में चोरी नहीं होगा, बोले चोरी कहाँ से होगा, घर में पैसा हो तभी तो चोरी होगी, वो तो सारे बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा, बोले चोरी किस चीज की। तीसरा चीज क्या है, कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पीप आकर के पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह चार कर जाएंगे। इसलिए हैं, इसलिए भले ये चीज नहीं, कोई किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लग रहा। और एक चीज देखो, चाय भी नहीं पीना, ध्यान देकर सुनो, चाय नहीं पीना चाहिए। बोले क्यों, बोले चाय पत्ते में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें एक निकोटीन कफिन डालते है, हाँ इसमें एक तरह का जहर है, हाँ एक तरह जहर है। देखना जो व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आए शराब नहीं पी, क्या होता है उसको घबराहट होता है, जब तक शराब नहीं पीगा तब तक चैन नहीं पड़ेगी। इसलिए जो लोग चाय पीते हो देख लेना, चाय पीने का समय आए अगर चाय मत पियो बताओ क्या होता है, बोलो सबके सब सर दर्द करता। बोले क्यों, उसमें जहर निकोटीन डाला हुआ है। इधर देखो, ये अंग्रेजियों ने कैसे अपना बिजनेस चलाया, इस चीज को समझो, कैसे हमें बेवकूफ बनाया। पहले भारत में कोई चाय नहीं पीते थे, ये अंग्रेजी का, ये अंग्रेज विदेश से आया है, वो अपना बिजनेस चलाना चाह रहे थे। बोले देखो एक कप जो चाय पिएगा ना उसको 1 रुपया मिलेगा, उस समय 1 रुपया का बड़ा कीमत था, हम तो मूर्ख है। बोले 1 रुपया एक कप चाय लो लो, कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा, बोले लो कोई बात नहीं दो चाय 50 पैसा और एक कप चाय। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले लो कुछ दिन बाद में बोले कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, बोले चाय मिलेगा। क्यों, अभी तक वो चाय पी पी करके नशा हो गया था। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा उल्टा दो, बोले लो। बोले 50 पैसा दो, बोले लो। बोले 1 रुपया, बोले लो। बोले 2 रुपया, बोले लो। बोले 5 रुपया, बोले लो। अभी 10 रुपया, इतनी सी चाय और हमें ठग करके ये लोग हमें 10 रुपया हमसे ले लिया, ठग करके ले लिया। 10 रुपया की एक गिलास दूध मिलेगा, लेकिन हम दूध नहीं पियेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं सवेरे एक कप चाय पी लो, दोपहर तक चिंता नहीं। आप बताओ इतनी सी चाय में कई पेट भरती हैं। हमने चाय नहीं पी, हमने जहर पिया, 20 जहर पी करके वो भूख को खत्म कर दिया। अरे भूख लग रहा है, दूध पियो ना, दही पियो ना, छाछ खाओ ना, 10 रुपया में रोटी सब्जी मिल जाएगी,
जिसमें तुम्हारी हेल्थ होगी, ठीक है। चाय नहीं पीनी, बोलो चाय नहीं पीनी, चाहिए। ये अंग्रेजियों का बिजनेस को मत बढ़ाया करो, हैं? हमारे भारतीय भारतीय जो सभ्यता, दूध दही घी रोटी, ये हमारी भारतीय सभ्यता है, ये चीज जो खाया करो, ठीक है। और जो तीसरा जो चीज है, ये मांस मछली नहीं खानी चाहिए, मांस मछली अंडा और ये प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। देखो ये सब चीज है ना, हम लोग तो हिंदू है, ठीक से समझो, हम लोग हिंदू है। देखना हर हिंदू घर में पहले ठाकुर होता था, भगवान राम दरबार, नहीं तो लक्ष्मी नारायण, नहीं तो भगवान गोपाल, हर घर में होता था। देखो तुम्हारी माँ की माँ को देख लेना, घर में ठाकुर होता था, घर में होते थे, ठाकुर को भोग लगता था बगैर प्याज लहसुन के, और घर में सबके सब प्रसाद पाते थे। ये जो मांस मछली अंडा किसने लाया, ये मुगल ने लाए, ये मुसलमान लोग लाए सकते। ये हमारी अभी 9 दिन तक आप लोग नवरात्रि रख रहे थे, कौन कौन नवरात्रि रखे हो 9 दिन तक प्याज लहसुन खाए हो? कोई नहीं खाए। बोले क्यों नहीं खा रहे थे? क्योंकि माता जी को ये चीज पसंद नहीं, तभी तो नहीं खा रहे थे ना। क्या भैया 9 दिन के लिए खुश रहो, फिर खा कर नाराज करो, खा करके नाराज करो। जो चीज ठाकुर जी को माता जी को पसंद नहीं, हमें भी वो चीज पसंद नहीं आनी चाहिए। जो चीज उनको पसंद है, हमें वही चीज पसंद आनी चाहिए। इसलिए जो प्याज है, ये गैया का मांस से सृष्टि हुई है, गैया का हड्डी से लहसुन बना है, और गैया की खून का बूंद से मसूर दाल बना। पहले ये तीन चीज को पाप मानते थे, घर में कोई नहीं घुसाया करते थे, और ये सब चीज ठाकुर को भोग में नहीं लगता है, ठीक है ना। और गीता में कृष्ण कहते हैं, और जो व्यक्ति मेरे को भोग लगाकर घर में खाएगा, उसको घर में शांति सुख आएगी। लेकिन जो मेरे को भोग नहीं लगाएगा, बोले केवल पाप भोजन करते हैं, हैं? पाप भोजन करते हैं, चोरी करते हैं। और भगवान को खिलाओगे ना, माँ लक्ष्मी की भी कृपा होगी। सुदामा जी को प्रभु इतने संपत्ति क्यों दिए? दो मुट्ठी चिड़वा खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया, लेकिन गरीब क्यों बने? पहले उन्होंने भगवान कृष्ण लीला देखोगे ना, उसने भगवान से छुपा छुपा करके चना खाया था, इसलिए उनको गरीब बनना पड़ा। इसका मतलब है, अगर भगवान से छुपा करके खाओगे ना, भोग नहीं लगाओगे, तो क्या होगा? सब चोरी करके खाना, सब जेल होना पड़ेगा, ठीक है ना। घर में जो कुछ खाना बने, पवित्र पूर्वक बनाओ, ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाओ, भोग लगाकर क्या करो, बच्चों को खिलाओ, पतियों को खिलाओ, और खुद खाया करो, ठीक है। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, ठीक है। भगवान की भोग लगा कर प्रसाद पाओ, इसलिए। और बल चार चीज छोड़ो और चार चीज जोड़ो। बल चार चीज क्या जोड़ेंगे? बल चार चीज में जोड़ो, पहला चीज तो हर घर घर में ठाकुर जरूर होनी चाहिए, ठाकुर का सेवा पूजा घर में होनी चाहिए, ठीक है ना। एक उदाहरण दिया, देखो जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना शरीर को जैसे सजाओगे ना, परछाई अपने आप सज जाती है। मूल कौन है? बोले ठाकुर जी। आप देखो ठाकुर को जितने बढ़िया श्रृंगार करोगे, ठाकुर को स्नान कराना, ठाकुर को अच्छे वस्त्र पहनाना, ठाकुर को अच्छे तरह से सेवा करोगे, ठाकुर जी खुश होंगे, तो देखना घर में भी खुशियाली रहेगी, घर में भी खुशियाली रहेगी। इसलिए हर घर घर में गोपाल होनी चाहिए, राधा कृष्ण हो है घर में होनी चाहिए। ठाकुर जी को अच्छे तरह से खिलाओ। देखो ऐसे नहीं, दिन में तो हम दिन में देखना दो दो बार अपना साड़ी बदलाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को कभी कभी 15 दिन एक महीना से एक कपड़ा पहना कर बैठा। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, अपना बच्चे का बर्थडे आएगा ना, जितने कपड़े हो, नया कपड़ा लाते भी नहीं है, नया कपड़ा लाते हैं, इसलिए अपना बच्चे के लिए मत लाओ पहले। पहले देखो ठाकुर जी के लिए है, ये मत समझो ठाकुर के 10 जोड़ी है। अपना अलमीरा देखो तो कितना कितना, तुम्हारी साड़ी कितना होगा, कितने साड़ी है। तभी कोई तिवारा आई, नई साड़ी चाहिए, नई साड़ी हमें चाहिए, नहीं तो पति को पीछे पड़ जाएगी। इसलिए क्या करो, पहले अपना को मत देखो, पहले ठाकुर जी को सेवा देखो, ठाकुर के लिए कोई कपड़ा है कि नहीं, ठीक है ना। इसलिए ठाकुर जी को अच्छे तरह से खिलाओ पिलाओ, ठाकुर जी को बढ़िया से सेवा करो, ठाकुर खुश होंगे तो तुम्हारे परिवार में भी खुशियाली रहेगी। अगर ठाकुर अगर सेवा ठीक नहीं होगी,
भले ही तुम्हारी घर में करोड़ों संपत्ति आ जाए, ठाकुर को भोग नहीं लगा रहे हो, ठाकुर चुपचाप बैठे हुए, तुमको श्रृंगार सेवा नहीं करते हो, करोड़ रुपये आ जाए, देखो पैसा को कहते हैं लक्ष्मी। पैसा कौन है? लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। अगर उनकी सेवा में लगी ना, तब तक लक्ष्मी घर में शांति सुख देगी। अगर उनकी सेवा में लक्ष्मी नहीं लग रही है, खुद उसको भोग करना चाह रहे हो, भले ही अरब खरब पैसा आ जाए, वो घर में कभी शांति सुख नहीं रहेगी। लड़ाई झगड़ा मामला मकदमा बीमारी से एकदम तसनस जीवन को कर देगी लक्ष्मी। इसलिए अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो, ठाकुर को अच्छे तरह से सेवा सुख करो, ठाकुर का लक्ष्मी उनकी सेवा में लगेगी तो लक्ष्मी घर में शांति सुख देगी। ठीक है ना? और क्या करोगे? और क्या? एकादशी व्रत जरूर रखना। कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो? जो रखते हो अच्छी बात है, जो नहीं रखते हो कोशिश करना एकादशी व्रत को जरूर रखने के लिए। पहले मैंने बहुत कथा सुनाया, एकादशी कल्पतरु व्रत है, जो मांगोगे एकादशी से हमें वही मिलेगा। ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे सबके साथ भगवान की नाम जप करना। ठीक है ना? सवेर उठ करके नहा धो करके सबसे पहले भगवान की नाम जप करो, ठाकुर को सेवा करो, फिर दिन भर जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, हाथों में जो कुछ करो, जैसे घर में झाड़ू लगाओ, कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं? ठाकुर जी की मर्जी। खाना बना रहे हो, क्यों? ठाकुर को भोग लगेगा। पैसा कमा रहे हो, बोले क्यों? ठाकुर जी की सेवा के लिए। बच्चों को पालन कर रहे हो, बोले क्यों? ठाकुर ने बच्चे दिए, ये बड़े होकर के भगवान की भजन करेगी। स्नान कर रहे हो, बढ़िया कपड़े पहने हैं, बोले क्यों? बोले गंदे कपड़े से ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे? ठीक है ना? हर काम में ठाकुर को याद करते हुए करो, और हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी का, मुंह में ठाकुर का नाम। और कुछ समय निकालो, जैसे थोड़ी समय बैठ करके माला में जैसे प्रभु का नाम जप करो, क्योंकि अंतिम समय में यही नाम ही जाएगा। अंतिम समय में राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते ना। इसलिए भगवान के नाम सबरित करके भगवान के नाम जप करना। बोले श्री गिरिराज बाबा की। अभी हम लोग थोड़ी सी 5 मिनट गिरिराज जी कथा सुन लेते हैं, और अभी हम लोग उसी वृंदावन जाएंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। आपका पति देव कहाँ है? अम्बरीश महाराज इधर आ जाओ। हरि बोल, ये इधर आ जाओ, इधर आओ। हाँ देखो, हाँ हरे कृष्णा। आप लोगों के पास में एकादशी का व्रत तालिका पहुंचा है? जो जो एकादशी करते हो आपके पास एकादशी का व्रत तालिका है कि नहीं? है ना? मिला है ना सबको? दिया है ना? ठीक है। और जिसको पास में नहीं होगा, आप लोग लास्ट में आप लोग ले लेना मेरे पास में एकादशी का व्रत। हाँ देखो इधर, बाद में मेरे से ले लेना। इधर आ, प्रभु इधर आ, हम इधर इधर। हाँ देखो इधर, सुना हम लोगों ने यहाँ पर 4 दिन तक ये भगवान की कथा सुने। जो ग्रंथ सुने उसका नाम क्या था? बृहत भागवत अमृत। भागवत बृहत है, उसका सार हम लोगों ने यहाँ 4 दिन तक सुने। ठीक है ना? और जिस घर में भगवान की कथा होना, वो घर नहीं, वो भगवान का धाम है, वो वैकुंठ धाम बन जाता है, वही गोलोक वृंदावन बन जाती है। जहाँ पर कथा हो, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं। ठीक है ना? और हमारे से अम्बरीश प्रभु जी और उनके धर्म पत्नी बड़े धर्म पराये हैं। इन्होंने भक्तों को बुला बुला करके, पहले भी हमारे श्री बंसी वदन प्रभु, पहले भी उन्होंने उनको बुला करके उन्होंने यहाँ पर कथा करवाया था। इस बार भी मेरे को उन्होंने बोले थे, हैं? इस बार मेरे को बोले थे, महाराज जी आपका समय होगा, आप भी यहाँ पर कथा कर लेना। और मेरे तो कहीं भागवत कथा थी, समय थी नहीं, लेकिन मेरे देखा मेरे पास में 3-4 दिन है,
कल से अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया में तो बहुत भक्त लोग आते हैं, देखना पड़ता। मैं सोच रहा था कि 4 दिन पहले चला जाऊंगा और देख लूंगा, लेकिन प्रभु जी ने बोले थे समय हो तो कर देना। मैंने देखा 3-4 दिन बड़े कठिन से ये 3-4 दिन निकल रहा है, लेकिन इनकी इच्छा था तब 7 दिन तक यही कथा हो, 7 दिन तक, लेकिन मेरे पास में समय था नहीं, इसलिए हमने 4 दिन को निकाल करके हमने कोशिश की जैसे कथा करने के लिए। हम चाहते हैं ना सभी भक्तों का हृदय ऐसे हो, हैं? घर तो है, किस किस लोग का बड़े बड़े घर है, लेकिन संतों को बुला करके घर में हरि चर्चा हो, घर में प्रभु की कथा हो, ऐसे दिन है ना बड़ा कठिन दिन है, ऐसे बड़ा कठिन दिन है जो कि हमारे घर में कथा हो, कीर्तन हो, ये बड़ा भाग्यवान की हृदय में भावना आती है, हैं? जिस आप लोग देख रहे हो घर कैसे लग रहा है, जैसे वृंदावन धाम बन गया, वृंदावन धाम बन गया। इसलिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी इनको ऊपर दोनों को ऊपर खूब कृपा करें और ऐसे दोनों साधु संत को बुला कर घर में हरि कीर्तन करते रहे। आप इनके लिए जोरदार ताली बजा। हरे कृष्णा। और श्री अशोक नगर के जो भक्त लोग हैं ना बहुत अच्छे भक्त है, इसका नाम ही अशोक नगर। क्या नाम है? अशोक नगर मतलब क्या? अशोक, जहाँ पर कहीं शोक नहीं, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। भैया आनंद कहाँ पर? बोले भगवान का धाम। इसलिए यहाँ के भक्त लोग बड़े अच्छे भक्त लोग हैं, जो कि यहाँ पर जब हम आते हैं घर घर में सवेरे दोपहर शाम घर घर में बुला करके और बड़ी सेवा करते, इतने सेवा करते हैं, हैं? हम जो जितना इनकी प्रशंसा करना उतना ही कम है, हैं? एकदम तन मन धन दे करके लोग हर तरह से सेवा करते हैं। इसलिए अशोक नगर वासी भक्त लोगों को और हमारे जो टेंट वाले जो प्रभु जी हर साल इन्होंने बुला करके विशाल रूप में, हाँ, इनका पूरा परिवार कथा करते हैं। और हमारे जो पहाड़ी वाली माता जी, ये भी अपना घर में हम लोग को रुकवाते हैं, हर तरह से ये लोग तन मन हर तरह से परिवार के साथ में सेवा करते हैं। और हमारे इनको पीछे जो माता जी बैठी, क्या नाम है? इसलिए कहते यहाँ के जो भक्त लोग ना, बहुत सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए इन लोग हर तरह से सेवा करते हैं। इसलिए मैं ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर इन सब भक्तों को ऊपर में, आप लोग जो जितने सब भक्त लोग कथा सुनने के लिए आए हो, अगर आप लोग नहीं होते ना कथा हम किसको सुनाते? इसलिए आप लोग परिचित महाराज हो। अगर श्री सुखदेव गोस्वामी होते, अगर परिचित नहीं होता कथा होता? होता नहीं। जैसे आप लोग जितने कथा सुनने के लिए आए, आप सब परिचित हो, आप सब परिचित हो, इसलिए आप सभी के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर सबको ऊपर में कृपा करे और खूब शांति सुख में रहो और खूब भजन करो। इसलिए आप लोग के लिए ना खूब जोर से ताली बजाओ। और देखो इन कथा में हमारी वहां पर जो बच्चे हैं गजेंद्र, अनिरुद्ध, बिनो हैं, और हमारे साथ में श्री श्रीकांत और हमारे श्री श्रीदाम प्रभु और श्री ब्रज किशोर प्रभु जी हैं, ये लोग, अरे संजय बस प्रभु जी। इसलिए इन लोग ने हर तरह से हम लोगों को सारा दिन हमारे साथ में घूमना रहना, हर तरह से सेवा करना, इन लोगों ने हर तरह से सेवा की। इसलिए आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। भगवान इन सबको भक्ति और इनको प्रेम से सबको ठाकुर जी शांति सुख दे। ठीक है, अब इसे गिरिराज की थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं। बोले श्री गिरिराज बाबा की, अरे जोर से जयकार नहीं लगा रही, जो जितने जोर से गिरिराज की जयकार लगाएगा ना उसको उतना ही कल्याण, उतना ही पाप कटेगी, उतना ही भक्ति मिलेगी। एक बार जोर से लगा जिस छत उठ जाए। बोले श्री गिरिराज बाबा की। अरे हमारे श्री दामोदर प्रभु जी, दामोदर कहाँ है? इसलिए पूरा ठाकुर का सेवा पूजा इनकी परिवार है, दिन भर हमारे साथ में इनकी लक्ष्मी सब के सब दिन भर हमारे साथ में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा। देखो हाँ, अब गिरिराज कथा थोड़ा सुन लो। ये जो गिरिराज गोवर्धन, ये कोई पहाड़ नहीं, ये भगवान कृष्ण स्वयं है। इसलिए गोलोक वृंदावन में एक समय राधा कृष्ण दोनों बैठ कर के चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोले इतना सुंदर एक स्थान हो जहाँ पर झरना है, फल फूल है, सरोवर, जहाँ सुंदर स्थान हो, 6 ऋतु बहता हुआ हो और हर तरह का फल फूल में भरा हुआ हो,
तब से राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को प्रकट की। एक समय कृष्ण राधा रानी से बोले, राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, तुम चलो। बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना पटरानी नहीं, नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहां किस लिए जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं चलती हूँ। बोले राधे जब ये बोलोगे वृंदावन से मैं उतरूंगा, ये सबके सब ये गिरिराज गोवर जो कुछ बोलोगे वृंदावन में देख रहे हो सबके सब जाएंगे, मेरे सखा सखी तेरी भी सखा सखी सब जाएंगे, बोले फिर तो मैं चलूंगी। इसलिए भगवान जब आए ये गोलोक वृंदावन से ये गिरिराज गोवर्धन को इस जगत में उन्होंने उतार दिया। इसलिए एक समय तो बहुत सारी कथा हमको जाना है वृंदावन है, इसलिए कल से अक्षय तृतीया है, यहाँ से दो बस जा रही हैं। कल सृष्टि का पहला दिन कल है, सृष्टि का कल पहला दिन है। कल जो कुछ आप करोगे उसका फल अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पहला जो दिन उस दिन करोगे, आंख बंद करके भी किसी चीज में हाथ लगा दोगे ना, उसका कल्याण करिए। अभी हमारे जीत प्रभु जी दो बस की व्यवस्था की है, इसलिए जो लोग नाम दिए होंगे चलना, और जो नाम नहीं दिए हो अगर इच्छा हो तो आप भी चल सकते हो, ठीक है। इसलिए पूरा भर गया, अरे बोल रहे थे कुछ ज्यादा है, देखो वहां जाकर ना, हाँ देखो वहां जा करके आप सब मंदिर में ओपनिंग सोना पड़ेगा, रूम किसको नहीं मिलेगा। प्रसाद बढ़िया बढ़िया मिलेगा, प्रसाद तो बढ़िया बढ़िया मिलेगा, बढ़िया चकाचक प्रसाद मिलेगा। हाँ हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा। इसलिए एक समय मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बना रही थी, कन्हैया आकर बोले मैया कल क्या मेरी जन्म तिथि? बोले नहीं। बोले दाऊ भैया की? बोले नहीं। बोले फिर रात भर क्यों बना रही हो? बोले लाला पिताजी को जाकर पूछो। कृष्ण पिताजी की गोद में बैठी गए, दाढ़ी पकड़ लिए। बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है? बोले लाला हमसे इंद्र की पूजा करी। बोले बाबा इंद्र कौन है? बोले ये स्वर्ग का देवता और इनकी अधीन में मैं है, और इनके आदेश पर मेघ बरसने पर हम सबके सब ग्वाला हमारे मूल धन गाभी ये गैया घास खाते दूध देते हैं, दूध से मिठाई घी जो कुछ होता है दूध से होता है, वो दूध ही हमारा मुख्य आहार है, इसलिए हम श्री इंद्र की पूजा करेंगे। बोले पिताजी इंद्र का गांठ में कुछ भी नहीं है, जब आप इंद्र को प्रार्थना करना इंद्र भगवान को प्रार्थना करेंगे, अगर ठाकुर जी की इच्छा हो ठाकुर का आदेश करे तभी ये इंद्र कुछ दे सकता, नहीं तो कुछ नहीं दे सकता है। बोले पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन है ना, ये ब्रज की प्रत्यक्ष देवता है, फल मूल पानी हम कहाँ से मिलता है, गैया घास कहाँ से खाते हैं? बोले गोवर्धन से। मेघ आकर कहाँ टकराते हैं? बोले गिरिराज से, तभी ये बारिश ही होती है। बोले पिताजी कब से इंद्र पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले अभी तक इंद्र को देखे हो खाते हुए? बोले नहीं। बोले बाबा जब गिरिराज की पूजा करोगे ना, ये गिरिराज स्वयं प्रकट होंगे, सब कुछ ग्रहण करेंगे और वरदान देंगे। बोले बाबा ये गिरिराज की सेवा में एक अन्न की दाना अगर जीवन में कोई लगा दिया तो किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र के अभाव नहीं पड़ेगी। बोले लाला फिर तो हम गिरिराज की पूजा करेंगे। चार पूरा ढिंडरा पिटवा दिया ब्रज में, सारे ढिंडरा ब्रज में पिटवा दिया, कल इंद्र पूजा नहीं कल से गिरिराज बाबा की पूजा होगी। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। जितने ब्रजवासी थे बड़े सुंदर हैं, मालपुआ राबड़ी रसमलाई लेटिन चमचम बड़े सुंदर चावल दाल सब्जी, और दो तरह का कढ़ी बनवाए, एक राड कढ़ी एक सुहागिनी कढ़ी। सुहागिनी कढ़ी इसमें पकौड़ा डालकर बनाते हैं, राड बगैर पकौड़े के। दो तरह का चूरमा, एक हंसना एक रोना। हंसना मतलब पतलन रखते ही जो खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकता है। और वहां पर दाल तो पांच तरह का बनवाए, पुरोट की अरहर की छोले की है, कितने तरह का पराठा, इसलिए उसका नाम पड़े अर्न कूट। कूट मतलब पर्वत, अर्न मतलब अर्न, जो कुछ बनाए पर्वत आकार में। कृष्ण स्वयं अपना हाथों से पंचामृत के द्वारा गिरिराज को उन्होंने पुरुष सुप्त मंत्र से अभिषेक किया उन्होंने, और जितने खाना लाए थे ना दामोदर, सब में तुलसी पत्ता देकर भोग लगाओ,
जो नित्य खाए लाए थे सब में तुलसी पत्र रख लिए, ठाकुर का आसन पाद्य आचमन दे करके इदम सहित नैवेद्य उपकरण श्री राधा कृष्णाभ्याम नम बोल करके जब राजा या नम बोल कर जब गिरिराज को भोग लगाए ना, गिरिराज स्वयं प्रकट हुए, विशाल रूप था, सबके सब देख रहे थे। गिरिराज बोले देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन जिन्होंने मेरे सेवा में एक अन्न का दाना भोग लगाए आशीर्वाद देता हूँ, कभी घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। इसलिए आप अभी गिरिराज जाओगे ना, 12 महीना देखोगे गिरिराज का अन्न कुछ होता है, बड़े बड़े देश विदेश से भी लोग आते हैं, वहाँ गिरिराज की अन्नकूट करते हैं और इतने दूध दही से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, देखना झरना जैसे दूध बहती है। इसलिए देखो कल भी आप लोग जब वृंदावन जाओगे ना, हमारे संप्रदाय में एक संत हुए जिनका नाम था सनातन गोस्वामी, ये रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे, जब वृद्ध हो गए परिक्रमा नहीं हो पाया, ठाकुर स्वयं एक गिरिराज ला दिया जिसमें ठाकुर का चरण का छाप, जिसमें लपोटी गैया की खोर और उनकी बांसुरी की चिन्ह, बल अगर इसको 4 बार कोई परिक्रमा लगाएगा ना तो उसको गिरिराज परिक्रमा करने की फल मिलेगी। इसलिए कल जब गिरिराज हम जा रहे हैं, कल देखोगे वो मंदिर में बड़ी टहलचहल बड़ी भीड़ होता है, कल अगर उसको 4 बार परिक्रमा करोगे ना गिरिराज परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए कल भी उसी मंदिर में हम लोग जाएंगे वृंदावन में जहाँ पर वो गिरिराज शिला रखा हुआ, लेकिन जब जाओगे थोड़ा सावधान से जाना क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहती है, आपके पास जो पैसा पैसा होगा थोड़ी सी सावधान में रख करके उसको जाकर कम से कम एक बार परिक्रमा करके, सारे संतों की वहाँ समाधि बनी हुई श्री राधा दामोदर मंदिर में आप उसको परिक्रमा भी करना, ठीक है। इसलिए जब उन्होंने भोग लगाए भगवान आशीर्वाद दिए, बोले लाओ रे लाओ रे लाओ, हाँ आनो रे और लाओ और लाओ, ब्रजवासी बोले ठाकुर जी आप इसी में ही संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट हो गए, बोले चलो खाओ पियो हम सब के सब गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, इधर आ जाओ गिरिराज कुछ भजन गा लो, इधर आ जाओ। हाँ देखो अभी तो ये लोग गिरिराज के भजन गाएंगे, जब गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे सब, गिरिराज की इतना महिमा क्यों है, कारण है विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी जो पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा की, गिरिराज को, सारा दुनिया गिरिराज बांके बिहारी को परिक्रमा करता है, लेकिन गिरिराज को परिक्रमा कौन किया, बांके बिहारी राधा रानी ब्रजवासी, पहले सारे साधु संत ब्राह्मण, उसको बाद में गैया, उसको बाद में पुरुष और उसको बाद में सब गोपियां और राधा रानी सबसे पीछे चल रही थी, चलते चलते राधा रानी की इच्छा हो रही थी कृष्ण अगर सचमुच से मेरे प्रियतम है, अगर कृष्ण एक बार मेरे को दर्शन दे देना फिर मैं खुश हो जाऊंगी, बोले कृष्ण अभी बीच में राधा रानी पीछे से कैसे दर्शन देंगे। इतने में कृष्ण ने क्या किया, गैया चरण का लकुटी को उन्होंने ऊपर में फेंके, फेंक करके जब पकड़ने के लिए गए अभी राधा जी की 2 आंख और कृष्ण की 2 आंख मिलकर के 1 हो गई, राधा रानी तो खुश हो गए। और थोड़ी दूर गए, राधा रानी सोच रही है क्या कृष्ण मेरे को इतना स्पर्श भी करेंगे, लेकिन सबसे पीछे राधा रानी, कृष्ण इनकी भावना समझ करके एक बछड़े को उन्होंने पीछे करके उसको पूछ को एंट दिया, इतने में वो बछड़ा फुदकते हुए पीछे पहुंच गया, पहुंच गया तो कृष्ण उसकी बहाना बनाकर पीछे गए और राधा रानी को स्पर्श कर दिया और राधा रानी का हृदय प्रेम में गदगद हो गया, श्याम सुंदर मेरे मन की भावना समझ गए। इसलिए ऐसे करते करते पूरा के पूरा गिरिराज गोवर्धन भगवान परिक्रमा कराए। अभी ये दोनों प्रभु जी गिरिराज के भजन गाएंगे, इसके बाद में आप लोग प्रसाद लेना और प्रसाद लेकर देर नहीं करना और सीधा जाकर के बस में बैठ जाना, क्योंकि अगर टाइम से नहीं जाओगे ना फिर तुम वहां पर अंदर में बस को घुसने नहीं देगा, फिर थोड़ी दूर में रुक लेगा, फिर आपको फिर किसी गाड़ी में जाना पड़ेगा, है थोड़ा ज्यादा दूर नहीं, लेकिन अगर गाड़ी अगर छोड़ दिया तो इसी तरह से पूरा के पूरा मंदिर तक, हमारी मंदिर तक आप जाकर वहां मंदिर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। जीत को बुला दो तो अगर होगा तो जीत प्रभु जीत प्रभु।
जी सब आ गए सर गुरु जी बोला फुल दे बोला जी इधर आ जाओ जब अनाथ के सब जाना है जी प्रभु जल्दी आओ बस कहां पे देखो आप लोग एकदम देर नहीं करना यहां प्रसाद प्रभु जी प्रसाद की व्यवस्था की है प्रसाद बना और सीधा जाकर के और जो लोग जाना चाहते हो अपना प्याग बिस्तर लाएगी नहीं कापड़े लता लेकर के आएगी नहीं क्योंकि ज्यादा दिन तक रुकना नहीं केवल एक आज जाओगे कल कल शाम को चले आओगे थोड़ा कपड़ा लेकर देना ज्यादा भारत ज्यादा कोई सामान लेकर नहीं जाना जी इधर आ जाओ सभी प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम।